हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं अनिता बलू, रनिता बलू किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू से बनाएंगे चूड़ा। आलू को हम सबसे पहले चूड़ा बनाने के लिए छील लेंगे। इसको आलू से हम बनाएंगे उपास का चूड़ा। ये चूड़ा एक बार हमने बनाया आलू का तो हम एक महीने तक इसे खा सकते हैं। ये मैंने आलू को छील लिए है, अब इसको मैंने पानी में डाल दिए और इसको मैं ऐसे लच्छे निकालूंगी इसके। ऐसे एक बार, एक ही बार करना, हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है ज़्यादा, ऐसे। और उसको हम पानी में ही पीसेंगे, देखिए ऐसे। और किसी के पास ऐसी चलनी रही तो इससे भी कर सकते हैं, पर ये बहुत बारीक हो जाएंगी। देखिए बहुत बारीक होती है ना, इससे भी बना सकते हैं हम लच्छे। ये वाले लच्छे अच्छे बड़े बनते हैं। देखिए मैंने तीनों आलू के लच्छे तैयार किए हैं। देखिए कितने प्यारे लच्छे बनकर रेडी हुए हैं। और इसको मैंने पानी में ही पीसा है क्योंकि ये बाहर अगर रहते तो काले पड़ जाते थे। अब मैं इनको दो तीन पानी से धोकर इसका पानी छान लूँगी। देखिए इसे थोड़ा सा मसल लेंगे तो इसमें का जो स्टार्च है वो निकल जाता है। देखिए दो तीन पानी से धोऊंगी। देखिए मैंने इसे चार पांच पानी से धो लिया है और पूरा इसका पानी भी एक चन्नी में डाल के इसको छान लिया है पूरे पानी को। अब हम एक कपड़े से इसको पोछेंगे, एक रुमाल से, और इसको हम सूती कपड़े में ऐसे पोछ कर बिछा देंगे। और पंखे की हवा के नीचे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, तो बढ़िया ये सूख जाते हैं। टूटते नहीं है, इसको मसलने पर भी ये देखिए जो गीला था ये रुमाल भी गीला हो गया है। और एक बार पोंछ लूंगी इसको, पोंछ के मैं पंखे के नीचे रख दूंगी हवा में। देखिए मैंने पंखे की हवा में सूती कपड़े में सुखा दिया है, जल्दी सूख जाता है पंखे की हवा में डाले। देखिए मैंने सूती कपड़े में इसको सुखा दिए, बढ़िया सूख गए, सूखे यानी ऐसे ठंडे है, पूरे ऐसे कर सूखे ना, इसलिए हमने पंखे की हवा में इसका पानी ख़त्म किया है पूरा, और ये ठंडे ही है। और इसे हम खूब गर्म तेल में ही डालेंगे। तो सबसे पहले मैं साइड में कड़ी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, क्योंकि तेल में मिर्ची का फ्लेवर और कड़ी पत्ते का फ्लेवर आ जाता है तो हमारा चूड़े में भी टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्ची डालूंगी। देखिए मिर्ची बढ़िया तल चुकी है। डालेंगे हम साइड में
और इसी में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो घोल आता है इसी वजह से। शक्ति अनुसार यानी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, कम या ज्यादा या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। ये बादाम लिए हैं मैंने, बादाम को भी हम ऐसे तेल में तल लेंगे। अगर ना हो आपके पास नहीं भी डाले तो चलता है, पर ये उपवास का चूड़ा है तो उपवास में ड्राई फ्रूट डाले तो अच्छा लगता है चूड़ा। देखिए तड़ तड़ की आवाज आ रही तो समझ जाइए हमारे बादाम भी बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं। और कुछ मूंगफली के दाने, मैंने एक कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं, आपके अनुसार आप ले सकते हो जितना भी लेना होता है, कम ज्यादा भी हम ले सकते हैं। देखिए मूंगफली के दाने भी चटकना चालू हो गए हैं। ऐसे ही हमें चटकते हुए मूंगफली के दाने चाहिए तो खाने में चूड़ा और भी टेस्टी लगता है। इसको निकाल देंगे। मेरे पास बड़ा साबूदाना था, ये भी उपवास में चलता है इसलिए मैं इसको भी डाल दूंगी। बड़ा साबूदाना को धीमी आंच पे ना सेके, ऐसी तेज फुल आंच पे इसको सेकना चाहिए। प्यारा कल के तैयार हुआ है जैसे मोती हो, मोती हो के जैसा। ये बड़ा साबूदाना तलने के बाद में ऐसा ऊपर आ जाता है तो समझ जाइएगा कि हमारा साबूदाना भी बढ़िया तल के तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम तलेंगे जो हमने आलू के लच्छे तैयार करके रखे थे। देखिए कितने प्यारे हमारे लच्छे बनके तैयार हुए हैं। और इन लच्छों को तलने के लिए हमें ऐसा ही गरम तेल चाहिए। देखिए जब हमने आलू के लच्छे को डाला था तो तेल में बहुत ऐसा फेस आ गया था, है ना। और ये तलते जाते हैं तो तेल भी हमारा फेस, तेल का फेस कम होते जाता है। देखिए देखिए हमारे आलू के लच्छे तल लिए हैं मैंने पूरे। टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे। वैसे ही मैंने टिश्यू पेपर में रख दिया था तो पूरा तेल उसमें आ गया है, फिर भी ऊपर ऊपर का।
बादाम, मूंगफली के दाने और कड़ी पत्ता, और इसी के अंदर हरी मिर्ची है उसको भी हम डाल देंगे। और ये बड़ा साबुदाना जो हमने तल के रखा था वो भी डाल देंगे। अभी इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जो उपास में हम खाते हैं वाला नमक, और काली मिर्ची का पाउडर है, काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और लाल मिर्ची का भी पाउडर डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है, ये काली मिर्ची का पाउडर। और इसमें हम डालेंगे शक्कर पाउडर, शक्कर पाउडर डालने से हमारा चूड़ा खट्टा और तीखा लगता है, बहुत स्पाइस चूड़ा लगता है। और इसको हम मिला लेंगे, मेरे पास काजू नहीं थे तो हम काजू भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो डाल सकते हैं। देखिए हमारा चूड़ा बनके रेडी हो चुका है। आपका आज के बाजार जैसा चूड़ा बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो कमेंट द्वारा बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। आलू देखिए कितना क्रिस्पी बना है, बढ़िया देखिए, बहुत अच्छे अच्छा बनके तैयार हुआ है।